गुजरात की बहुआयामी प्रगति के लिए अनेक प्रभावी अधिनियमों को पारित करने के लिए गुजरात की विधानसभा के वर्तमान और भूतपूर्व सभी सदस्य सराहना के हकदार हैं। आज मैं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. नीमाबेन आचार्य तथा सभी विधायकों को विशेष बधाई देता हूं। डॉ. नीमाबेन आचार्य की नियुक्ति से इस राज्य को पहली महिला स्पीकर प्राप्त हुई है। इस उपलब्धि के लिए भी मेरी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नरसिंह मेहता की भक्ति से सिंचित इस धरती पर अध्यात्म का प्रचुर प्रभाव रहा है। उनका भजन वैष्णव जनते तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे, स्वतंत्रता के भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भी गीत बन गया था। इस भजन ने भारतीय संस्कृति के मानवतावाद को प्रसारित किया। पूरी मानवता के प्रति समदृष्टि के परिवेश में गुजरात में पली बढ़ी हंसाबेन मेहता ने संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रावधानों में महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष स्थान दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया। गुजरात की बहुआयामी प्रगति के लिए अनेक प्रभावी अधिनियमों को पारित करने के लिए गुजरात की विधानसभा के वर्तमान और भूतपूर्व सभी सदस्य सराहना के हकदार हैं। आज मैं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. नीमाबेन आचार्य तथा सभी विधायकों को विशेष बधाई देता हूं। डॉ. नीमाबेन आचार्य की नियुक्ति से इस राज्य को पहली महिला स्पीकर प्राप्त हुई है। इस उपलब्धि के लिए भी मेरी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नरसिंह मेहता की भक्ति से सिंचित इस धरती पर अध्यात्म का प्रचुर प्रभाव रहा है। उनका भजन वैष्णव जनते तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे, स्वतंत्रता के भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भी गीत बन गया था। इस भजन ने भारतीय संस्कृति के मानवतावाद को प्रसारित किया। पूरी मानवता के प्रति समदृष्टि के परिवेश में गुजरात में पली बढ़ी हंसाबेन मेहता ने संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रावधानों में महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष स्थान दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया। गुजरात की बहुआयामी प्रगति के लिए अनेक प्रभावी अधिनियमों को पारित करने के लिए गुजरात की विधानसभा के वर्तमान और भूतपूर्व सभी सदस्य सराहना के हकदार हैं। आज मैं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. नीमाबेन आचार्य तथा सभी विधायकों को विशेष बधाई देता हूं। डॉ. नीमाबेन आचार्य की नियुक्ति से इस राज्य को पहली महिला स्पीकर प्राप्त हुई है। इस उपलब्धि के लिए भी मेरी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।